ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे का एक सियास सच ये भी है कि जिस राज कुंद्रा की पहचान बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर होती रही, उनकी रातों रात छवि बदल गई और उन पर पॉर्न फिल्म कारोबारी का ठप्पा लग गया। मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा पर ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार करने, अश्लील फिल्म बनाकर बेचने, वेब सीरीज के नाम पर एक्टर एक्ट्रेस को लालच देने, जबरन फिल्म बनाने जैसे आरोप लगे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि पॉर्न फिल्म का रैकेट लंदन तक फैला हुआ है। सोमवार रात करीब 8 बजे मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने पॉर्न फिल्म मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन मामले में राज कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया। करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद रात 11 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के 3.5 घंटे बाद राज कुंद्रा को मेडिकल जांच के लिए जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया और फिर जांच के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस लाया गया। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने उनके एक और सहयोगी रेयान थारप को भी गिरफ्तार किया। इसके बाद दोनों की कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल ने अदालत को बताया कि राज कुंद्रा इस गोरखधंधे से मोटा पैसा कमा रहे थे। कुंद्रा के घर की कल रात तलाशी ली गई। कुंद्रा की कंपनी से फॉरेन करेंसी मिली। राज कुंद्रा का फोन और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीज किए गए हैं जिसकी तहकीकात होगी। कुंद्रा पर लगे 2 सेक्शन नॉन बेलेबल हैं जिनमें आईपीसी 420 यानी धोखाधड़ी और आईटी एक्ट 67A यानी अश्लील कंटेंट का डिस्ट्रीब्यूशन शामिल है। इसलिए क्राइम ब्रांच ने मांग की कि कुंद्रा की कस्टडी के बिना आगे की जाँच मुश्किल होगी, जिसके बाद अदालत ने कुंद्रा को 23 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच, पूछताछ और सबूत के आधार पर कुंद्रा की गिरफ्तारी हुई है।